घुटनों में दर्द है, डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल रहे हैं, घुटने इतने मोटे मोटे हो रहे हैं, पिंडलियों में दर्द हो रहा है क्योंकि वो भी इतनी मोटी हो रही है, टखनों में दर्द हो रहा है यानी कि एंकल में वो भी इतनी मोटी हो रही है, जमीन पे पैर नहीं रखा जा रहा, साइटिका पेन हमें परेशान कर रहा है, कमर में दर्द हो गया है और उसी की वजह से हमेशा टेंशन रहती है कि अब मैं क्या करूं। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन देखिए यही सब मेरे भी हो रहा था। एक इंच तक ऐसे टच करती थी ना स्वेलिंग पे, वो नीचे गड्ढा बन जाता था, थोड़ी देर में जाके ठीक हो जाता था। ये हालत थी स्वेलिंग की। और अगर आपके भी है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि मैंने भी ये सारी एक्सरसाइज करके और अच्छा खाना खाकर, ज्यादा पानी पीकर और देखिए जूते पहनकर मैंने एक्सरसाइज की, जूते पहने, पानी पिया, खाना अच्छा खाया, उसकी वजह से मेरे घुटने ठीक हो गए। तो प्लीज आप एक्सरसाइज कीजिए और अपने घुटने आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। और स्टार्टिंग आप यहाँ से कीजिए, बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं, पेट निकल जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो क्या करना है, ऐसे बैठिए बेड पर इस तरीके से जैसे मैं बैठी हूँ, और पेट पर हाथ रखिए, अंदर को सांस लीजिए और फिर झुक जाइए इस तरीके से। तो पहले हमें इस पेट को परेशान करना होगा, इसको कम करना होगा, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि ये वाली जो हमारा जगह होती है ना वो बिल्कुल निर्जीव हो जाती है, झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। तो सबसे पहले परेशान आप इसको कीजिए, तभी तो ये आपको सुखी करेगा। तो सबसे पहले ये कीजिए, आप यहां से पकड़िए, दबाइए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाइए। अगर आपके घुटने में दर्द है और आप खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो इस तरीके से करें। आपको इस तरीके से बेड पर बैठना है और अपने अंगूठे छूने, अगर नहीं छुए जाते तो छूने की कोशिश करनी है। इस तरीके से आपको पेट को अंदर दबाना है और सांस बाहर छोड़ते हुए आपको पैरों को छूना है। धीरे धीरे करके आप ये स्टार्ट कीजिए, आपसे हो जाएगा। जब तक आप अपनी एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। फिर आप इस तरीके से बैठिए और फिर से आपको अपने पैरों के अंगूठे छूने हैं अपने हाथों से। नहीं छूते हैं तो धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए, एक या दो से स्टार्ट कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। फिर इस तरीके से बैठना और अपने हाथों को ऐसे रख के और आगे धीरे धीरे करके फिसलाना है। इससे क्या होगा, हमारा पेट भिजेगा और धीरे धीरे करके दो दिन में, चार दिन में हम एक्टिव हो जाएंगे और हम आगे की एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे। बैठे बैठे पेट मोटा हो जाता है क्योंकि हम बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जो बेड से उठ भी नहीं पाते और एक्सरसाइज करना चाहते हैं। ऐसे आप बहुत ही आसानी से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि पहले अगर पेट आपका कम होगा ना तो आपको एक्सरसाइज करना इजी हो जाएगा। और आप बेड पे बैठे बैठे कीजिए, लेकिन आप काउंट करके कीजिए, ऐसे नहीं कि मैं हाफ गई, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते ना, जंग लगा रहते तो हाफ जाते हैं एक या दो मिनट में। तो आप ऐसे नहीं, आप गिनिए आपने कितने रेप्स किए हैं, उतने गिनकर आप सेट वाइज कीजिए। एक में अगर आपने 10 किए हैं तो ये 3 सेट कर लें 10-10 के। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे और मेरे साथ बोलेंगे जीत जाएंगे हम। जरूर ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जूते कौन से पहनते हो, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो देखिए, जूते मैं स्केचर्स के पहनती हूँ, आप कोई भी ब्रांड पहन सकते हैं, अच्छी ब्रांड पहनिए जिसमें मेमोरी फॉर्म हो। जो मेमोरी फॉर्म होती है वो हमारे पैर को बहुत अच्छे से कुशन देती है, जिसकी वजह से हमारे घुटने में दर्द कम होता है और चलने फिरने में आसानी होती है। जब आप चप्पल पहनते हैं तो वो चीज आपको नहीं मिलती है। जब आप जूते पहनेंगे तो चप्पल का और जूते का फर्क आपको तभी पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा गलत काम कर रही थी और मेरे को कितना दर्द हो रहा था। मतलब एक पेन किलर जैसा काम कर देता है हमारा जूता। तो आप जूते चूज कीजिए, चप्पलों को हटा दीजिए। देखिए, मैं घर में भी जूते ही पहनती हूँ और आप भी कीजिए कि घर में डेली में जूते पहनिए और गर्मियों में भी आप जूते ही पहन सकते हैं, हर तरह के जूते आते हैं। तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जिनके घुटनों में दर्द है और वो चप्पल पहनते हैं। 10-12 सालों से डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला, लेकिन एक्सरसाइज करके और अच्छी डाइट लेकर मैंने अपने घुटने ठीक किए। उंगलियों को इस तरह से फंसाकर हाथों को ऊपर करना है। सर और हाथ आपके चिपके हुए रहने चाहिए और बॉडी पोस्चर एकदम सीधा तना हुआ होना चाहिए। आपको हाथ और सर एक साथ नीचे ले जाने और जमीन को टच करना है। ऐसा आपको 10 से 12 बार करना है और दिन में 2 बार करना है, ताकि आपको पीछे की तरफ स्ट्रेचिंग फील हो सके। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, फिर धीरे से कम्फर्टेबली उठ जाइए। कि एक कहावत तो आपने सुनी होगी, टूटता हुआ तारा इसलिए दूसरों की मुराद पूरी करता है क्योंकि वो टूटने का दर्द समझता है। ऐसे नहीं होता, तो हाथों को इस तरीके से रखिए और ठीक उसी तरीके से नीचे झुकना है। हाथों को कानों से चिपकाते हुए एक साथ नीचे जमीन टच करने की कोशिश करनी है। जो टूट चुका होता है उसे दर्द अच्छी से समझ में आता है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। घुटनों का दर्द मैं समझती हूँ कैसा होता है। ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जिनके घुटनों में दर्द है। अगर आपसे ऐसे भी नहीं हो पाता तो आप सर और हाथ अलग करके ये स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। घुटने में इतनी बड़ी बड़ी स्वेलिंग थी, दर्द होता था, पैर टेढ़े हो रहे थे और चलते वक्त क्या होता था कि चलते वक्त घुटना ऐसे लगता था ऐसे फिसल गया है मेरा।
और उसमें बहुत तकलीफ होती थी, जान निकल जाती थी, और चारों तरफ से जो सहानुभूति मिलती थी ना, उससे हमेशा मेरा दिल दुखता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि बिना बात को सब कोई मतलब मेरे से कहते कि क्या हो गया क्या हो गया, वो मुझे बहुत गिल्ट फील कराता था। और चलते टाइम ही नहीं, जैसे सो रही हूं मैं, सोते टाइम अगर करवट ले रही हूँ, करवट लेते लेते मेरा घुटना ऐसे फंस जाता था कि ऐसा लगता था आधा घुटना तो मेरे साथ पलट गया लेकिन आधा ऐसे ही रह गया। तब चीख जाती थी और दर्द होता था, मैं बैठी बैठी रोना शुरू कर देती थी और कितने कितनी देर तक उस पैर को सेट करती रहती थी कि धीरे धीरे करके, क्योंकि उसमें चीज चल जाती थी और दर्द होना शुरू हो जाता था। धीरे धीरे करके घुटने को मसाज कर रही हूँ, बहुत तकलीफ होती थी उस चीज से, लेकिन मैंने अपने घुटने ठीक किए एक्सरसाइज करके और अच्छा खाना खाकर। तो प्लीज ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जिनके घुटनों में दर्द है और एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि एक्सरसाइज से कुछ होगा, प्लीज। अच्छा एक बात बताइए, गर्मी हो गई है, 10 से 12 ग्लास पानी कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका? आपको अपने घुटने ठीक करने ना। देखिए मेरे को भी डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ था, लेकिन जिन चीज़ों को मैं बता रही हूँ कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, घर का खाना खाइए, घी खाइए और ढेर सारी एक्सरसाइज कीजिए, उनसे ही मैंने अपने घुटने ठीक किए हैं। तो आप प्लीज़ पानी ज़्यादा पीजिए, 10 से 12 ग्लास पी डालिए, क्योंकि एक तो गर्मी भी हो रही है, आपको गर्मी से भी बचाएगा ठंडा ठंडा कूल कूल पानी। बर्फ़ का ना पिए आप, मटके का पानी पिए या फिर हल्का ठंडा पिए। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और आप भी अपने घुटने ठीक कर सकते हैं जैसे मैंने किए हैं। और ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जिनके घुटनों में दर्द है, एक्सरसाइज नहीं करते, पानी नहीं पीते, ऊल जलूल खाते रहते हैं और ऊल जलूल टीवी में देखते रहते हैं। इसकी जगह अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखें, बस शेयर कीजिए उनको और फिर हम कहेंगे जीत जाएंगे हम। पानी 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 पीना है। देखिए अगर आप बड़े हैं तो आदर्श बनिए, ताकि आपको ये कहने की जरूरत ना पड़े कि हम बड़े हैं। आया ना समझ में? त्याग, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, ये सब होना बहुत जरूरी है, तभी आप बड़े बन पाएंगे अपने छोटों के सामने। कहने से कभी कोई बड़ा और छोटा नहीं बनता। मैं भी बहुत होपलेस हो जाती थी जब ऑपरेशन का नाम सुनती थी, दर्द होता रहता था इसी वजह से कि कोई मुझे यूं ना कहे कि हॉस्पिटल दिखा लाऊं तुझे, इसी वजह से, डर की वजह से, अंदर से इतना डर था कि अगर मैं किसी के सामने ये कहूंगी ना चीज चल रही है मेरे, तो मुझे कहते थे कि चल दिखा लेते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में दिखाने के बाद डॉक्टर सीधा ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, घुटने बिल्कुल खराब है। इस बात से, डर की वजह से मैं छुपाती भी थी, कोई मुझसे पूछता भी था अब पैर कैसे, तो मैं हमेशा यही जवाब देती नहीं अच्छे हैं अब। तो प्लीज आप एक्सरसाइज कीजिए, एक कोशिश तो कीजिए। दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, गिल्ट भी फील होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन ना तो बताई जाती हैं और ना ही छुपाई जाती हैं। तो ऐसी जिंदगी से बाहर कैसे निकला जाए? एक्सरसाइज करके और अच्छा हेल्दी घर का खाना खाकर। ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जिनके घुटनों में दर्द है। पास ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या आप कोई पेन किलर ले रहे हो या घुटने की दवाइयां ले रहे हो? तो नहीं, मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, कोई पेन किलर नहीं ले रही हूँ, कोई मूव नहीं लगा रही, कोई आयोडेक्स नहीं लगा रही, या कोई तेल वगैरह या स्प्रे वगैरह मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। पहले ये सारी चीजें मैं लगाया करती थी, लेकिन 1 सितंबर से मैंने 75 हार्ड स्टार्ट किया था फर्स्ट, उसके बाद से ना मुझे कभी पेन किलर की जरूरत पड़ी, ना किसी तेल की जरूरत पड़ी, ना किसी घुटने की कोई दवाई की जरूरत पड़ी। आई थिंक मुझे डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है फिलहाल, और मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अच्छा चल फिर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ अपना, और अच्छे से अपना घर का काम संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, मौज मस्ती में रहती हूँ, कोई दर्द नहीं होता। पहले बहुत ज़्यादा पैरों को दबवाती थी मैं, बच्चों से कुटवाती थी ऐसे कर करके बहुत जोर से, लेकिन वो सारा बंद हो गया। अब तो बच्चे कहते हैं मम्मी आपको पैर दबवाए कितने दिन हो गए? तो भाई मुझे नहीं पता, मैंने मतलब 1 सितंबर के बाद स्टार्ट किया था, 10-15 दिन बाद मेरे पैर दबाने बंद हो गए थे। तो वो सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जिनके घुटनों में दर्द और एक्सरसाइज नहीं। घुटनों के दर्द की वजह से पैर टेढ़े हो गए थे, 10 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता था कि किचन में खड़ी होके मैं रोटी बना लूं। किचन में खड़ी होती थी तो बच्चे मेरे पैर दबाते रहते थे और चेयर लाके रख देते थे किचन में कि मम्मी आप बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर दूसरी रोटी बना लेना। इतनी बुरी हालत थी कि अगर घर में काम वाली नहीं आई है ना, तो मेरे घर में झाड़ू नहीं लगती थी या फिर मेरे बच्चे काम करते थे। मुझे इतना बुरा लगता था, इतना बुरा लगता था कि मेरी आंखों में ना अब भी आंसू आ जाते जब मैं सोचती हूँ, बहुत गंदा लगता था। बस
यहीं से शुरू हुई थी मेरी जर्नी, जो यहाँ से माइंड सेट हुआ ना कि मैं कितना परेशान हो रही हूँ और मेरे बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, मुझे 6 महीने लग गए इस कंडीशन में आने के लिए कि अब मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ, अगर काम वाली नहीं आई है ना तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं सारे काम कर लेती हूँ, खुशी खुशी इंजॉय करती हूँ और अपने बच्चों को खाना दे सकती हूँ, ओलंपिक्स में नहीं जाना, कोई कैट वॉक नहीं करनी मुझे, मैं अब बिल्कुल परफेक्ट हूँ और फिट हूँ ऑपरेशन से।